बॉलीवुड अभिनेत्री रानी मुखर्जी की फिल्म हिचकी लोगों को काफी पसंद आ रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि फिल्म हिट साबित हो, एक तरफ जहां अजय देवगन की फिल्म रेड अभी सिनेमा घरों में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है, ऐसे में रानी मुखर्जी की कम बजट वाली फिल्म को भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। रानी मुखर्जी ने करीब 4 साल बाद बड़े पर्दे पर अपनी वापसी की है। इससे पहले रानी फिल्म माडनी में नजर आई थी। छोटे बजट की फिल्म होने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इस हफ्ते प्रदर्शित बॉक्स ऑफिस की फिल्म हिचकी एक ऐसी फिल्म है जो हर किसी को लाइफ की सीख देती है। हम सब के जीवन में ऐसा शिक्षक होता है जो हमें जीवन का परिचय करवाता है, जो हमें पूरी जिंदगी याद रहता है। यह ऐसे ही शिक्षक की कहानी है। फिल्म का किरदार अगर देखा जाए तो यूएस के शिक्षक ब्रेड कोहेन, जो एक चुरेन सिंड्रोम नामक बीमारी से पीड़ित हैं, वे एक जिंदगी में आई तमाम परेशानियों का सामना करके एक आदर्श शिक्षक बने थे। बॉलीवुड फिल्म हिचकी, जिसमें अभिनेत्री रानी मुखर्जी ने नैना माथुर स्कूल टीचर का किरदार निभाया है। नैना माथुर, रानी मुखर्जी बचपन से ही इस बीमारी से ग्रसित रहती हैं। इस कारण से उन्हें बार बार हिचकी आती है। जब वह स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाती है तो तमाम तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती है। फिल्म में बताया गया कि उन्हें नौकरी के लिए कम से कम 12 स्कूल बदलना पड़े। रानी मुखर्जी एक बड़ी टीचर बनना चाहती है। जब भी वह कहीं टीचर जॉब का इंटरव्यू देने के लिए जाती तो उन्हें उनकी बीमारी के कारण रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस परेशानी से तंग आकर उन्हें गरीब बच्चों को पढ़ाने का अवसर मिलता है, लेकिन यह भी इतना आसान नहीं था। बच्चे उनका मजाक उड़ाते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, लेकिन फिर भी नैना उन्हें सुधारने का प्रयास करती है। एक्टिंग के मामले में रानी मुखर्जी का कोई जवाब नहीं। 4 साल की बड़ी गैप के बाद भी उनकी एक्टिंग में गजब का प्रभाव और अंदाज है। दर्शकों के सामने अपने अभिनय का लोहा मनवाया। फिल्म काफी भावनात्मक तरीके से जुड़ी हुई है। निर्देशक ने कई बातों का ध्यान रखा है। फिल्म बहुत ही साफ सुथरी है। मनोरंजन के लिहाज से दर्शकों को यह फिल्म शायद पसंद नहीं आएगी, परंतु इस फिल्म को देखकर आप भी ऐसे किसी शिक्षक का या किसी भी व्यक्ति का मजाक उड़ाना छोड़ देंगे। फिल्म का संगीत भी काफी अच्छा है। फिल्मी कलाकार हैं नीरज काबी, कुणाल शिंदे, सिद्धार्थ मल्होत्रा, यश राज फिल्म्स को बड़े निर्माताओं में गिना जाता है। आदित्य चोपड़ा की कोशिश रहती है उनकी अधिकांश फिल्म कम बजट में तैयार हो। खास तौर पर कम बजट की फिल्में की लागत रिलीज से पहले ही वसूल हो जाती है। आदित्य चोपड़ा की यह फिल्म, जिसमें उनकी पत्नी रानी मुखर्जी मुख्य किरदार में हैं, लगभग 20 करोड़ की लागत से यह फिल्म तैयार हुई है। फिल्म पूरी लागत रिलीज से पहले ही वसूल कर चुकी है। रिलीज के पहले दिन ही फिल्म ने लगभग 3.30 करोड़ का बिजनेस किया। दूसरे दिन 5.30 करोड़ और वही तीसरे दिन छुट्टी होने के कारण 6.75 करोड़ का कलेक्शन मिला। सोमवार का दिन फिल्म के लिए खास है। इसी दिन पता चलेगा कि आगे कैसा बिजनेस कर पाएगी। फिल्म करीब 961 स्क्रीन पर देश भर में रिलीज हुई है।